भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। ये मुकाबला इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। इससे पहले 2021 में भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था। वो मुकाबला इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में खेला गया था। अब इस बार फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इस बार भी इंग्लैंड में इसका आयोजन हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बार बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड में ही क्यों होता है? आखिर क्यों भारत या ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश में WTC फाइनल का आयोजन नहीं किया जाता है? तो चलिए आपको इसका कारण बताते हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। ICC की सबसे ज्यादा कमाई BCCI की मदद से ही होती है। ऐसे में ICC ज्यादातर टूर्नामेंट्स की टाइमिंग भारत के ऑडियंस को देखते हुए रखता है। इंग्लैंड में 7 से 11 जून के बीच जो WTC फाइनल खेला जाएगा, उसमें दिन का खेल भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और रात को 11 बजे तक चलेगा, जो कि भारत में क्रिकेट देखने वाली ऑडियंस के लिए प्राइम टाइम की तरह है। वहीं टीम इंडिया अगर WTC के फाइनल में नहीं भी पहुंचती है तो ICC इवेंट्स में देखा गया है कि ज्यादातर उस मुकाबले को देखने वाले दर्शक भारतीय होते हैं। ऐसे में भारतीय दर्शकों का ख्याल रखना ICC की भी एक जिम्मेदारी है, या यूं कहें मजबूरी भी। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो है क्रिकेटिंग विंडो। इंग्लैंड के अलावा एशियाई देश और साउथ अफ्रीका में ही भारतीय दर्शकों की टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट मैच होते हैं, लेकिन इन सभी देशों में जून के दौरान क्रिकेट नहीं खेला जाता और ICC हर इवेंट के लिए एक विंडो पहले से तय रखता है। वर्ल्ड क्रिकेट के बिजी शेड्यूल और दुनिया भर में हो रही फ्रेंचाइजी क्रिकेट को देखते हुए ICC ने WTC फाइनल का विंडो जून में ही रखा है। पहले 2021, फिर 2023 और 2025 में भी इंग्लैंड में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन जून का जो महीना होता है, इस महीने में बहुत कम देश है जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। इंग्लैंड के अलावा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में भी जून के दौरान क्रिकेट पॉसिबल है। श्रीलंका में इस दौरान मैच तो होते हैं, लेकिन कई बार उनमें बारिश के कारण दिक्कतें होती हैं, जबकि वेस्ट इंडीज में डे मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होता है और ऐसे में दिन का खेल खत्म होते होते रात के 3 बज जाएंगे, जो कि इंडियन ऑडियंस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, एशिया और बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। जबकि जून के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में क्रिकेट नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम होता है। इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है और इंग्लैंड ने ही अब तक सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट होस्ट किए हैं। ICC के पहले इवेंट वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 3 एडिशन 1975, 1969 और 1983 में भी इंग्लैंड ने होस्ट किया था। इसके अलावा ICC सीनियर मैच टूर्नामेंट की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सबसे ज्यादा 11 बार इंग्लैंड को मिली। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो भारत का है। भारत ने 6 बार ICC टूर्नामेंट की मेजबानी की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इंग्लैंड में क्यों बार बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाता है।